नमस्कार दोस्तों रेडियोग्राफी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है आज का टॉपिक है रेडियोग्राफिक कैसेट दोस्तों रेडियोग्राफिक कैसेट्स रेडियोग्राफी में बहुत महत्व रखती हैं चलिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से ही स्टार्ट करते हैं रेडियोग्राफिक कैसेट इज ए लाइट टाइट कंटेनर विच होल्ड्स इंटेंसिफाइंग स्क्रीन एंड रेडियोग्राफिक फिल्म इन क्लोज कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर जो रेडियोग्राफिक कैसेट होती है वो एक लाइट टाइट कंटेनर होती है जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन और रेडियोग्राफिक फिल्म को बहुत क्लोज कांटेक्ट में रखता है रेडियोग्राफिक कैसेट मेटेलिक भी हो सकती है प्लास्टिक की भी हो सकती है इनकी शेप रेक्टेंगुलर भी हो सकती है स्क्वायर भी हो सकती है चलिए रेडियोग्राफिक कैसेट को डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं आप देख रहे हैं कि ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है फ्रंट पार्ट में फ्रंट इंटेंसिफाइंग स्क्रीन लगी होती है और बैक पार्ट में बैक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन लगी होती है जो फ्रंट पार्ट होता है रेडियोग्राफिक कैसेट का वो हमेशा ट्यूब की तरफ फेस करता है आप देख रहे हैं जो बैक पार्ट है बैक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के पीछे प्रेशर पैड लगे होते हैं जो ये इंश्योर करते हैं कि इंटेंसिफाइंग स्क्रीन और रेडियोग्राफिक फिल्म के बीच में कॉन्टेक्ट बना रहे और इसके पीछे लेड फॉइल होता है जो बैक स्कैटर्ड होने से बचाता है ये मैंने बैक साइड का पार्ट बनाया हुआ है आप देख सकते हैं बैक साइड में दो क्लिप्स होती हैं जो कैसेट को खुलने और बंद होने में मदद करती हैं। चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं कि रेडियोग्राफिक कैसेट के क्या क्या फंक्शन होते हैं पहला रेडियोग्राफिक कैसेट बिल्कुल लाइट टाइट होनी चाहिए उसमें किसी भी प्रकार की कोई लाइट एंटर नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम जानते हैं रेडियोग्राफिक कैसेट के अंदर एक लाइट सेंसिटिव फिल्म होती है अगर कोई लाइट कैसेट के अंदर एंटर करती है तो वो क्या करेगी आपकी फिल्म को एक्सपोज कर देगी उस फिल्म में फॉगिंग हो जाएगी जो हमारी रेडियोग्राफिक फील्ड के अंदर बिल्कुल अनडिजायरेबल है सेकंड इट होल्ड इंटेंसिफाइंग स्क्रीन एंड रेडियोग्राफिक फिल्म इन क्लोज कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर एंड प्रोवेंट देम फ्रॉम एक्सटर्नल डैमेज रेडियोग्राफिक कैसेट का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि इंटेंसिफाइंग स्क्रीन और रेडियोग्राफिक फिल्म के बीच में यूनिफॉर्म और क्लोज कॉन्टेक्ट बना रहे और इसके अलावा वो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को फिजिकल डैमेज से बचाती है अगर किसी वेयर एंड टेयर की वजह से इंटेंसिफाइंग स्क्रीन और फिल्म के बीच में अगर कोई गैप पैदा होता है तो क्या होता है जब इंटेंसिफाइंग स्क्रीन में फोटोन जब स्ट्राइक करेंगे तो क्या होगा लाइट एमिट होगी और वो डिस्पर्स हो जाएगी जिससे फिल्म पर एक अनशार्पनेस आएगी और जो रेडियोग्राफिक डिटेल है वो कम हो जाएगी थर्ड इट मस्ट एक्सक्लूड डस्ट एंड डर्ट फ्रॉम द सेंसिटिव इंटेंसिफाइंग स्क्रीन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कैसेट के अंदर सेंसिटिव इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होती है अगर ये डस्ट उस पर जमा होगी तो क्या करेगी वो लाइट के पाथ को ऑब्स्ट्रेक्ट करेगी और हमारी फिल्म पे आठ विकट आने शुरू हो जाएंगे चलिए आप देखते हैं कि एक आइडियल रेडियोग्राफिक कैसेट के अंदर क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। पहला इट शुड बी लाइट वेट जो कैसेट का जो वेट होना चाहिए वो लाइट होना चाहिए ताकि इसको आप इजीली कैरी कर सकें और इजीली हैंडलिंग हो सके इट शुड नॉट एजेस किसी भी रेडियोग्राफिक पे कोई भी शार्प एजेस नहीं होनी चाहिए इससे आपको भी नुकसान हो सकता है और मरीज को भी नुकसान हो सकता है थर्ड इजी टू ओपन एंड क्लोज जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो रेडियोग्राफिक कैसेट को हम में जाके लोड और अनलोड करते हैं तो इसका लॉकिंग सिस्टम इस तरीके से बना होना चाहिए कि रूम में हम इसको आसानी से खोल सके और आसानी से बंद कर सके फोर्थ मेंटेन यूनिफॉर्म एंड क्लोज कॉन्टेक्ट बिटवीन इंटेंसिफाइंग स्क्रीन एंड द फिल्म अगर किसी एरिया में ये कॉन्टेक्ट मेंटेन नहीं है तो फिल्म के उस एरिए में आप ब्लर को नोटिस करेंगे फिफ्थ फ्रंट पार्ट शुड अलाउ लो बीम एडोन विथ यूनिफॉर्म थिकनेस विथ नो इरेग्यूलिटीज सिक्स इट शुड बी स्ट्रांग एंड रिजिट टू विथ स्टैंड फिजिकल डैमेज देखिए रेडियोग्राफिक कैसेट काफी स्ट्रांग होनी चाहिए रिजिट होनी चाहिए ताकि वो डेली वेयर एंड टेयर को बर्दाश्त कर सके क्योंकि कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमसे एक्सीडेंटली कैसेट गिर जाती है तो वो इस शॉक को भी बर्दाश्त कर सके सेवेंथ द बैक साइड ऑफ अ रेडियोग्राफिक कैसेट शुड बी मेड ऑफ ए मटेरियल विद हाई एटमिक नंबर टू मिनिमाइज द बैक स्कैर्ड देखिए जो रेडियोग्राफिक कैसेट की जो बैक होनी चाहिए वो हमेशा ऐसे मटेरियल की बनी होनी चाहिए जिसका एटमिक नंबर हाई हो लाइक like लेड अगर वो प्लास्टिक की है तो उस पर लेड की लाइनिंग होनी बहुत जरूरी है ताकि बैक स्कैटर्ड को होने से बचाया जा सके बैक स्कैटर्ड का मतलब होता है जब एक्सरे फोटोन बक्की की सरफेस से टकराकर वापस एक्सरे फिल्म को एक्सपोज करते हैं जिसकी वजह से कैसेट के जो लॉक की शेडो होती है वो फिल्म पे आने लगती है रेडियोग्राफिक कैसेट डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल होने चाहिए जैसे सेवनटीन फोर्टीन 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 इलेवन फोर्टीन जिसपे रेडियोग्राफर बड़े एक्सरे करता है लाइक चेस्ट एक्सरे एबडोम एक्सरे एल एस पाइन एक्सरे टेन एट और टेन ट्वेल्व की कैसेट पे रेडियोग्राफर छोटे से उतारता है जैसे आपके एल्बो के एक्सरे हैंड के एक्सरे नी के एक्सरे कंस्ट्रक्शन ऑफ रेडियोग्राफिक कैसेट पहला रेडियोग्राफिक कैसेट कैसेट होती है उसका फ्रंट और उसका जो बैक पार्ट होता है एक तरफ से जुड़ा होता है हिंज होता है जैसे डोर होते हैं फ्रंट पार्ट कंटेन फ्रंट इंटेंसिफाइंग स्क्रीन एंड अ शॉर्ट लैट ब्लॉकर फॉर अ पेशेंट आइडेंटिफिकेशन जो फ्रंट पार्ट होता है रेडियोग्राफिक कैसेट का वो फ्रंट इंटेंसिफाइंग स्क्रीन कंटेन करता है और साथ में एक छोटा सा लैट ब्लॉकर होता है जिसमें हम पेशेंट आइडेंटिफिकेशन डालते हैं बैक साइड ऑफ रेडियोग्राफिक कैसेट है लाइट फॉइल फर्दर अटैच टू प्लास्टिक प्रेशर पैड्स एंड बैक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन जो बैक साइड होती है रेडियोग्राफिक कैसेट की वो बैक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन कंटेन करती है साथ साथ उसमें प्रेशर पैड लगे होते हैं जो इंश्योर करते हैं कि इंटेंसिफाइंग स्क्रीन और फिल्म का यूनिफॉर्म कॉन्टेक्ट बना हुआ है कि नहीं है साथ साथ उसके बैक में लाइट की फाइल लगी होती है जो बैक स्क्रटर को रोकती है लॉकिंग मैथड्स वराइटी ऑफ लॉकिंग मैथड्स यूज

फॉर्म प्रेशर पैड लगे होते हैं जो इंश्योर करते हैं कि इंटेंसिफाइंग स्क्रीन और फिल्म के बीच में यूनिफॉर्म कांटेक्ट बना हुआ है कि नहीं फ्रंट साइड ऑफ ए रेडियोग्राफिक कैसेट इट इज मेड विद अ मटेरियल विद लो एटमिक नंबर इट अलाउ लो बीम एटूनियशन देखिए जो रेडियोग्राफिक कैसेट का जो फ्रंट होता है वो ऐसे मटेरियल से बना होना चाहिए जिसका एटमिक नंबर लो हो ताकि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम रेडिएशन को पास होने दे लो बीम का मतलब होता है कि वो कम से कम रेडिएशन को रोके इसका मतलब वो मैक्सिमम रेडिएशन को पास होने दे रेडियोग्राफिक कैसेट एलोनियम की भी बनी हो सकती हैं, प्लास्टिक लैमिनेट की भी बनी हो सकती हैं लेकिन जो आजकल जो लेटेस्ट मटेरियल यूज हो रहा है वो कार्बन फाइबर है इसका एडवांटेज ये होता है कि एक तो ये लाइट वेट है बहुत ही लाइट वेट होता है एज कंपेयर टू एलमोनियम और प्लास्टिक लेमिनेट सेकेंड लो बीम एब्जॉर्बन होता है इसके अंदर मतलब ये फोटोन्स को एब्जॉर्ब नहीं करता मैक्सिमम फोटोन्स को ये पास होने देता है थर्ड होता है ये बहुत स्ट्रांग होता है ये बहुत ही स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू अदर मटेरियल कार्बन फाइबर से बनी कैसेट का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि ये क्या करता है पेशेंट की डोज को भी कम करता है बैक साइड ऑफ ए रेडियोग्राफिक फिल्म ये मेटल की भी हो सकती है और प्लास्टिक की भी हो सकती है अगर ये प्लास्टिक की बनी है तो इट शुड बी लाइन विथ लैड फाइल टू प्रवेंट बैक स्कैटर और इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो 0.12 पॉइंट वन टू एम एम इक्वलेंट एट वन फिफ्टी अदर फिटिंग ऑफ रेडियोग्राफिक कैसेट्स इसमें क्लिप्स होती हैं, फास्टनर होते हैं जो यूजली क्या होते हैं स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं जो कैसेट को बंद करने और खोलने में मदद करते हैं हिंजिस होते हैं वो मेटल और प्लास्टिक के बने होते हैं जो फ्रंट और बैक पार्ट को जोड़ के रखते हैं थर्ड प्रेशर पैड जो प्लास्टिक फॉर्म स्पॉन्ज के बने होते हैं जो इंश्योर करते हैं कि इंटेंसिफाइंग स्क्रीन और फिल्म का क्लोज कांटेक्ट बना रहे बस यही था आज का वीडियो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा जल्द ही मैं इसका एक दूसरा पार्ट भी अपलोड करूंगा प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग जय हिंद